कर दियो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू, HOWARE YOU। जय जोहर, जय आदिवासी, जोहार। अच्छा, जोहार के चीज़ है भी। जयपुर से पानीपात, ठीक है भी। तारानगर ओम प्रकाश, जय महाकाल, ठीक है जी, जय महाकाल। सगड़ा आ गया ही थे, बड़ा ही दोहरा टॉपिक चल रहे थे, भी बोर हो रहा हो आ टॉपिक हो, मैं भी बोर हो रही हूँ, लेकिन करूँ तो करूँ के, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। चलो करे शुरू, चल गयो, ठीक है। और इतना इतना बड़ा राम राम ली क्यों, थर टेम खराब करो रहे, एक शब्द लिख दे कर गणो ही है। हाँ चलो, नया राजवंश कौन सा, पाल राजवंश, पाल राजवंश। ठीक है, कहां पर ये जो राजवंश था बच्चों, ये था बंगाल में, 750 के लमसम इसकी स्थापना है। बिन कह रहे बात जोरू बोले वो, पाल राजवंश कहां है, बंगाल में। पाल लड़िया नहीं त्रिपक्षीय संघर्ष काम, एक बताए नहीं, पाल बंगाल को शासक, पाल शासक। हाँ भाई कैसे हो गुरुजी, और मौज हो रही है, रहे बहुत जोर का। हाँ चल ठीक है, आगे चले। आज न्यू ड्रेस ना रे, पुरानी ड्रेस है यार। हाँ तो पाल शासक कौन था बंगाल का, पाल शासक है बंगाल का, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक, पाल का संस्थापक गोपाल, गोपाल ये अपने आप को सूर्यवंशी व समुन्द्र से मानता था अपनी उत्पत्ति, और गोपाल को जनता ने ही राजा बनाया था मत्स्य न्याय से परेशान होके। गुरुजी मत्स्य न्याय के खाकड़ है, बहुत हो गई बेहद जादूगरी या खानदान मुगलों मराठाओं का, के है रे क्यों कहा राज की करो थे, लंबी लंबी लिखो तपड़ी चेतात को नहीं। हाँ चलो, आज वीडियो नहीं चले हेमराज, चल रहे हैं गुरुजी, रोज क्यों कौन ले क्लास। अरे नीतू जानी किन्न किन्ने काल जयपुर गई डां, किन्न किन्ने जान खातर मन नहीं जानो पड़े, सारा काम करना तो मन नहीं पड़ेगा, मन कोई ना काम नहीं करना है तो मैं रोजाना यूट्यूब पर आगे भसड़ खिंडाल लाई जाऊँ, ये फैसिलिटी वो फैसिलिटी, अब काम तो मन नहीं करना पड़ेगा, पढ़नो भी मन पड़े, पढ़ानो भी मन पड़े, और भी टैकल मन ने करना पड़े, इंगी बजों गैप आई भी ना रही को नहीं, एक छुट्टी तो आई जाए। हाँ चलो, पाल वंश का पाल वंश बंगाल में था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, गो मछली छोटी मछली को खा जाती, हाँ अक्षय टेपण मत्स्य न्याय, बिल्कुल मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और बहुत सारे तरीके होते हैं खाने के, किसी भी तरीके से खाया जा सकता है, किसी न किसी तरीके से चेपने का उद्देश्य रहता है कि इसको खत्म कर दे, नया अगर कोई उठ रहा है तो उसको खत्म करने वाला जो न्याय होता है वो मत्स्य न्याय। सर यूट्यूब हैक हो जाएगा, ऐप की प्रशंसा ज्यादा करते हैं, कौन नहीं भाई यूट्यूब हैक, कौन नहीं भाई यूट्यूब हैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी है किसी का बाप भी नहीं कर सकता, क्यों कुछ गड़बड़ कई बार बग ऐसा आ जाता है कि यूट्यूब की समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ कुरापाती भरे पड़े दुनिया में, बाकी कम ही चांस है कि यूट्यूब हैक हो सके, बाकी चीजें हैक हो सकती है। तो पाल वंश का बंगाल, गोपाल मत्स्य न्याय, समझ गया। हाँ अरे ए रमकुड़ी के लिखे तू, पढ़ाई कर ले। हाँ आगे चलते, देखो पाल शासक जो थे वो क्या थे, बौद्ध धर्मावली थे, और अपनी उपाधि क्या धारण करते थे, परम सौगात। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है, याद रह जाएगी आराम से। पाल वंश का संस्थापक कौन है, यहां पर पनपा है पाल वंश, सूर्यवंशी मानते हैं, समुन्द्र से उत्पत्ति मानते हैं पाल वंश, संस्थापक कौन है गोपाल, जनता ने बनाया पाल वंश के, क्या है बौद्ध धर्मावली, ठीक है। इसके बाद में दूसरा शासक आएगा कौन, धर्मपाल। वैसे तो गोपाल के बाद में दूसरा शासक जो है वो महिपाल प्रथम माना जाता है,
तो महिपाल की भी कोई बात नहीं है, आवाज कम है। यार आवाज कम की प्रॉब्लम क्यों है? कहीं ना कहीं आपके मोबाइल की कम है, ना कि मेरे यहाँ से कम है, आपके मोबाइल की कम आवाज। सर गंगानगर आओगा कि आऊंगा यार तू बुलाओगे तो चल। इसके बाद में शासक है धर्मपाल। कब? 770 से 810। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोपाल के बाद में नया शासक क्या था? धर्मपाल था। ठीक है, धर्मपाल की दो बातें देख लो, केक की बातें। इसकी जो उपाधि है वो है बच्चों परम सौगात। परम सौगात परमेश्वर, विक्रमशील, परम सौगात परमेश्वर विक्रमशील, परम सौगात परमेश्वर। ए उपाध्याय उपाध्याय आगे रहा और की लड़ाई दंगा तो किमी है को नहीं करा के टारो थी, याद करो तो कर लियो, क्योंकि नहीं कराऊंगा जो तो आका करायो गुन करायो कुन करायो को नहीं हैर हुणोस की आत को ने तो टॉपिक ने के बराबर प्रश्न आता है तो ठीक है देख लियो। हाँ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाओ, इसके बाद वे कंसर्न मॉडर्न हिस्ट्री ही शुरू करेंगे। ठीक है हाँ, तो धर्मपाल जो है ये इसने विवाह किया किससे? राष्ट्रकूट राजकुमारी से। राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से। और धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बहुत बढ़िया बात है ये, विक्रमशील विश्वविद्यालय। ठीक है, तारानाथ तो आके कारण विचार है बहुत स्कूला खोली, लगभग 50 स्कूला खोली। और धर्मपाल का एक दरबारी है जिसका नाम था हरिभद्र। हरिभद्र एक छोटो सो लेख लिखियो वो भी आप देख लेंगे, दरबारी सलख सके हरिभद्र। मेरे अपलोड वीडियो क्यों नहीं चल रहे? ऐसी प्रॉब्लम है तो नहीं? अब आपकी है तो हम करें क्या? किसी के नहीं है कि अपलोड वीडियो नहीं चले। क्यों नहीं चलेंगे भैया हैं? आ जाओ सर सेमिनार करा। अरे गुलजारी लाल अब क्या ना सेमिनार है बूढ़ा आदमी, और 6 महीना तो कुछ नहीं खुलेगा कोरोना की वजह से। हाँ भागलपुर अक्षय टेपण बहुत होशियार है अभी। हाँ हाँ देखो, धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक गोपाल, फिर महिपाल, फिर धर्मपाल, गोपाल महिपाल धर्मपाल, धर्मपाल महिपाल गोपाल, गोपाल धर्मपाल महिपाल। महिपाल ने राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी से विवाह किया। परम सौगात परमेश्वर विक्रमशिला उपाधि, परम सौगात परमेश्वर विक्रमशिला। और कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमशिला सॉरी कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। बात पल्ले पड़ी गई, बात पल्ले पड़ी गए थारे? हाँ उर्जी पड़ गई, आगे बताओ। आगे बता दें यार तियां क्या मैं करूं। पहले कौन बतायो? गोपाल। फिर कौन बतायो? महिपाल। फिर किन बतायो? धर्मपाल। और फिर कौन है? देवपाल। यानी आगे शासक कौन बने है? देवपाल। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली देवपाल माना जाता है। और इसने राजधानी किसको बनाई थी? मुंगेर, बिहार में पड़ता है मुंगेर को। यह उसी राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी का पुत्र था। बोर्ड सही करा? गलत है बोर्ड है? चाहे आजकल राजस्थान की चाहे पटवार दे लो, पुलिस दे लो, सब में इंडिया जीके हो चुका है। तो अब ये मत पूछो कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है जीके में, सब कुछ आएगा, पटवार, पुलिस, रीट। रीट में तो टॉपिक फिर भी बंटे हुए हैं, रीट में लगता है टॉपिक ये। आगे तैयारी करो ना। हाँ तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है। फर्स्ट एड में, फर्स्ट एड में भी, फर्स्ट एड में नहीं है शायद गुप्तोत्तर। हाँ चलो, इसने राजधानी किसको बनाया? राजधानी इसने बना ली किसको? मुंगेर को। इसका उपनाम है बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला।
बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला किसने कहा? तारानाथ। याद रह जासी? गोपाल, महिपाल, धर्मपाल, देवपाल। गोपाल, महिपाल, धर्मपाल, देवपाल। की कराई छे ये डाबरे, याद कर करा ले तो रसोरा। चलो, इसके बाद में आगे जो शासक बनेगा महिपाल, इसके समय चोल राजा था एक राजेंद्र, कहते इसने गंगा नदी तक अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में जो शासक है रामपाल, रामपाल तो नाम ही जोर है, इसने कहते हैं कि इसके कोई मामा की मृत्यु हो गई थी, मंथन देव नाम को कोई मामे की मृत्यु को इतो दुख हो। हाँ, महिपाल को पालमस का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है बेटे, अक्षय टेपण बता दिया मैंने। हाँ, रामपाल के बताएंगे मामो हो मंथन देव इंगी मृत्यु को टावरो इतो दुख होयो होय होय अंग देश को राजा हो कह ओ भी जागिर गंगा नदी में ले ली समाधि। बस, और इसके बाद में अंतिम शासक जो है वो है मदनपाल। आ लो, पाल वंश इज कंप्लीट, द पाल वंश इज COMPLET। आ लो, हिंदी हम शुरू कर देंगे आपकी 23 तारीख को जो नया बेंच लेंगे 24 से। दिल्ली पुलिस का लेना है या नहीं? सर जी बताओ, पटवारी वालों को दिल्ली पुलिस का लेना है या नहीं? प्रिंस चारण, दिल्ली पुलिस और पटवार में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, इंडिया जी के आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, बस। तो हाँ, मैथ पटवार की थोड़ी छोटी है, दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी बड़ी है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ आ जाएगा पटवार के अंदर, ठीक है। ओके, अब अपने लिख लो, नॉर्मल दो दो तीन तीन बातें हैं इनको लिख लो। चलो ओके, लिखो फिर। हेडिंग डालो पाल, ठीक है, कहां पर? बंगाल। लिखते जाओ, संस्थापक गोपाल, ठीक है, सेकंड संस्थापक महिपाल प्रथम, दिख रही होगी, देखो इनू भी दिख रही है, ठीक है। रीट कब होगी निर्मला? मुश्किल है, क्या बताएं, 5-6 महीने कोई एग्जाम मुश्किल है भाई। मैथ का स्पेशल बुआ शुरू करो, दीपक बाद में करेंगे, मेरे पास किसी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है। मुन्ना में पूनम नोटिफिकेशन नहीं आता, टाइम फिक्स है, तन मेरो ही है। हाँ देखो, पाल शासक परम सौगात उपाधि धारण करते थे, प्रिया मैम क्लास कौन लाग रही? ये बात तो यार, प्रिया मैम बहुत छुट्टी मारे भी कि चलो करेंगे एडजस्ट। हाँ, कल नहीं हुई थी, टॉपिक के लिए पेज कितना छोड़ो? क्यों छोटा है पेज? कल क्लास हो ईडी को नहीं, लिखो, ये तो 1.5 पेज का है। उपाधि
परम सौगात परमेश्वर विक्रमशील। परम सौगात परमेश्वर विक्रमशील लिखो। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, ये शुरुआत हुई धर्मपाल ने, दिख रहे नहीं, चलो इधर लिख देता हूं। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया। वह समस्त उत्तरापत राजाओं की सभा की उत्तरापत स्वामिन कहा जाता। सर इंग्लिश दूसरे सर से करा दो, एक बार इनसे पढ़ लो, फिर नए में आपको पुराने वाला दूसरे सर जो है उनकी भी दे देंगे। एक बार पढ़ लो आप, फिर नए सर की दे देंगे। अब क्योंकि बीच में अब चल रहा है तो चलने दो। हाँ, राष्ट्रकूट करवाओ फिर, टाइम कौन बच्चे यार लिखवाण ने, लिखा दिया रही मेरे से जान। कितनों करवाओ, इतना ही करवाए विनोद इतेश जी सर क्लास को नहीं। अरे एक दो टॉपिक बच्चे हैं, निर्मला आज आ गई, मैं इपाल ओल्ड बेंच से तो कौन कराए, रह गए हो तो की बात है। अरे इतिहास है वो, एक एक शासक पर एक एक किताब लागे, बोलो फल लागे, ही तो ये इतना ही है, ये पूरा वंश हो है। अगर बंगाल में जाके पढ़ोगे तो मेवाड़ की तरह इतना मोटा होगा। हाँ, देखो क्या लिखा, क्या चल रहा था, धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने तारानाथ के अनुसार पचास विद्यालय केंद्र बनाए, केंद्र बनाए प्रसिद्ध प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो धर्मपाल ने हरिभद्र बोध लेखक को संरक्षण दिया। देखो हरिभद्र ने अष्ट सहस्त्री का, दिख रहा है ना, अष्ट सहस्त्री का
सर मुझे मोबाइल रिस्ट करना है, ऐप को डाउनलोड, पीडीएफ फाइल डिलीट तो नहीं होगी? डाउनलोड का तो यार पता नहीं, बाकी चीज़ें तो आ जाएगी, डाउनलोड तो होगी शायद तक, पता नहीं मुझे पूरा क्या क्या है। अष्ट सहस्त्रिका, पर्जन्य पारमिता लिखा ना, याद करिए लिखा, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट शासक हो जाएगा देव, 810 से 50। पाल वंश का शक्तिशाली शासक देखो, इसने राजधानी मुंगेर को बनाई, ये रन्ना देवी का पुत्र था, इसे तारानाथ ने बौद्ध धर्म को पुनः स्थापना करने वाला कहा। पॉलिटिकली क्लास नहीं लग रही, अरे ललिता 10 क्लास लाग रही है कि एग्जाम सिर पर आ रही है, बा भी करवा दें, एक नहीं आ रही है बिंगो गोचो है, आ रही है जकी भी 10-10 क्लास आ रही है कि पढ़ पढ़ के मरोगा की, बा भी आ जाएगी। हाँ राष्ट्रकूट और चालुक्य कराओ, कराऊंगा तो वर्षा शर्मा, मैं कद गए कौन कराऊं। हाँ पॉलिटिकली ये बंद है, मन पतो है, दस्त सारी है, पढ़ लियो एक बार, बा भी आ जाएगी, पॉलिटिकली कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। क्या क्या लिखा है मैंने, देवपाल लिखा है, ठीक है, देवपाल के बाद है महीपाल प्रथम, इसके समय चोल राजा राजेंद्र फेस्ट ने 1023 ईस्वी में गंगा तक जीत लिया था। जीत लिया था, फिर लिखो महिपाल के बाद है रामपाल, इसने गंगा नदी में समाधि ली, समाधि ली, लिखो फिर लिखो लास्ट मदन पाल, अंतिम शासक
रामपाल लिख दे यार, मदनपाल लिख दे, कई जगह रामपाल आ, पिछली बार मदनपाल लिखा दी होगी, बात एक ही है, रामपाल लिखे, रामपाल लिख ले, कुछ किताबें रामपाल लिखती है, कोई नहीं सुन रहा है मेरी, अच्छी कौन सुनिए। ज्योग्राफी आओ तो थारे तो अपलोड हो जाए तो कोई बात नहीं। सर हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, ए मेरे ही कौन समझ में आया आज तक, रट्टा मारना है की कौन समझना रहा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पतों को नहीं पूछना पड़ा हो, गुरु जान पूरी होगी कि एक दो टॉपिक बच रहे हैं। ओके थैंक यू, कल करेंगे फिर नया टॉपिक, इंग्लिश का कर देंगे नए बेंच में।